राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक थैली को जब्त करने का काम हमारे जमादार इंस्पेक्टरों के द्वारा प्रतिदिन हर वार्ड में किया जा रहा है। लगभग 50 से 60 किलो थैली रोज जब्त होकर हमारे निगम कार्यालय में लाते हैं और इस प्लास्टिक थैली के कट्टे भरवा के ये रखवाया जा रहा है, जिनको राज्य सरकार के आदेश अनुसार श्री सीमेंट फैक्ट्री में जमा कराया जाएगा। सर, इनके कितने के चालान कट रहे हैं? चालान अभी नहीं किए, हम प्लास्टिक जब्त कर रहे हैं। हमारे 3 तारीख तक यही है कि भाई आप प्लास्टिक रोज जब्त करो और पर जमादार 1 किलो प्लास्टिक थैली जब्त करके लाएगा, ताकि कम से कम 60 किलो थैली जब्त होके निगम में आए। इसके बाद उसे जब्त कर लेते, इसके बाद में चालान करेंगे। 3 तारीख बाद में एक आ रहा है सुनने में, सरकार प्लास्टिक को बैन कर रही है, तो उसमें कौन कौन सी प्लास्टिक बैन हो रही है? यदि जैसे दही पैक करके दे रहे हैं दुकानदार, वो थैली पैक हो रही है तो अपन उसको भी जब्त करेंगे। दूध भी पैक करके दे रहे हैं दूध वाले, तो उसको भी जब्त करेंगे। चाय वाला चाय पैक करके दे रहा है, उसको भी जब्त करेंगे। अभी तक हम ये थैली जब्त नहीं कर रहे हैं भाई। 3 तारीख बाद यदि ये भी बैन हो जाती है तो उनको भी जब्त करेंगे और इनका सबका चालान भी करेंगे जो उसके बाद रखेगा। आज कितनी थैली जब्त करें? आज कम से कम 55 से 60 किलो थैली जब्त है। आपका नाम? आपका रूपाराम चौधरी, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम अजमेर।